जी हाँ, दिन मेरा बहुत अमेजिंग स्टार्ट हो चुका है। रीप साहब जो है वो चले गए हैं अपने काम शाम निपटाने और मैं हूँ आज घर में बिल्कुल अकेली। और मेरी तबीयत का रात से बहुत ज्यादा खराब हो रही थी क्योंकि कल रात को 1 तारीख के बाद मुझे फ्लू हो चुका था, फीवर भी हो रहा बहुत ज्यादा। सो अब हम चलते हैं नीचे, आज मम्मी के घर चली जाऊंगी, 2 दिन वहां रह के आऊंगी। सो वहां पर क्योंकि रबिया और जैनब की तबीयत भी खराब है तो हम उनकी मेडिसिन वगैरह खाकर और फिर हम भी ठीक हो जाएंगे। सो उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अभी क्या सीन ये कुछ है कि हम जाएंगे नीचे और भाभी से पूछेंगे भाभी आज इफ्तारी में क्या बना रही है। So let's go. Assalamu alaikum everyone. This is me Hira Faisal and welcome to my YouTube channel. तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दो ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज का सीन कुछ यूं है कि आज हम चलते हैं नीचे मम्मी के पास और पूछते हैं कि आज इफ्तारी में क्या सीन पड़ा हो रहा है। जैनब और रबिया तो बहुत बीमार हो गई है, कल मेरे साथ वो गई हुई थी शूट पे तो उन्होंने वहां पर वो बर्गर खा लिए तो उनकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी। सो हम उनकी तबीयत का हाल भी पूछेंगे। सो अब हम चलते हैं नीचे और मम्मा से पूछते हैं कि मम्मा का क्या सीन चल रहा है इफ्तारी के हवाले से, मम्मा आज के डिशेज बना रही है तो हम मम्मा की भी हेल्प करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपकी हीरा फैसल शेफ है। सो अब हम चलते हैं नीचे। फातिमा फैसल, हेलो गाइस, वेलकम टू फातिमा फैसल ब्लॉग। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो यार आज का रोजा तो मेरा बहुत ही जबरदस्त जा रहा है, जैसे कि रोज जाता है तो आज का रोजा बहुत ही मजेदार जा रहा है, ठंडा ठंडा रोजा जा रहा है। पर आहिस्ता आहिस्ता धूप भी निकल रही है, गर्मी भी छा रही है और मुझे गर्मी भी लग रही है वो भी बहुत ज्यादा वाली। सो अभी का सीन कुछ है कि अब हम चलते हैं नीचे, नीचे बहुत सन्नाटा हुआ है, देखते हैं यार ये सारे लोग कहाँ चले गए हैं। जल्दी से हम चलते हैं नीचे और मम्मी से भी मिल लेते हैं। तो चलते हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी। मम्मी आज इफ्तारी में क्या क्या बन रहा है मुझे एक चीज बता दो, सारा खा जाऊंगा। पकौड़े, समोसे, कचौड़ियाँ, रोल। तो गाइस आप लोगों ने भी सुन लिया कि आज ये सब कुछ बन रहा है, सब कुछ खा जाऊंगा। अभी मैं यहाँ पर लेके आई थी ये चीजें लेके आई थी कुछ काफी मजे मजे की हैं, ये कोकोमो चॉकलेटोज वगैरह, ये इमलिया शिपिया, सारा कुछ खा जाऊंगा क्योंकि आज मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है। रोजा अच्छा जा रहा था बट अब मुझे भूख लगना स्टार्ट हो गया जो ही मैंने इन चीजों को देखा। सो जल्दी से हम इफ्तारी का वेट करते हैं, इफ्तारी की तैयारियां करते हैं और फिर हम इफ्तारी करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू रबिया फैसल यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो गाइस आज मेरी तबीयत तो खराब है, अगर व्लॉग थोड़ा स्लो बना तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। सो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और आज मैं करने वाली हूँ रमजान प्रैंक विद मम्मी और सारे लोगों के साथ तो बहुत मजा आने वाला है आज के प्रैंक में। खासतौर पर मैं जैनब के साथ करूंगी क्योंकि जैनब को चढ़ने का बहुत ही मजा आता है। सो आज का प्रैंक ये होगा कि मैं बाहर से इफ्तारी तो नहीं मंगवाऊंगी लेकिन सबको कहूंगी कि मैं आज बाहर से इफ्तारी मंगवा लूँ। बट जो ही मैं इनको कहूंगी आधा घंटा रह जाएगा क्योंकि ज्यादा करीब लेकर गई तो वो फिर इफ्तारी हमारी जाया हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि आधा घंटा पहले बता दूंगी कि इफ्तारी नहीं आ रही। सो काफी मजे का प्रैंक होने वाला है, कुट भी पड़नी है मम्मी से। सो अब चलते हैं और प्रैंक का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मी ज़ैनब फैसल। तो आज की वीडियो भी बहुत मजे की होने वाली है क्योंकि आज मेरा रोजा जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी जैसे कि आप लोगों ने राबिया और फातिमा आप और हीरा आप वगैरह के ब्लॉग्स में देख लिया होगा। तो आज का सीन कुछ यूं है कि आज मैंने अपनी फ्रेंड्स को दोबारा बुला लिया है इफ्तारी के बाद, आज भी हम करेंगे नाइट पार्टी जो कि बहुत मजे की होने वाली है। साथ वो मेरा पता करने आ रही है कि आपको पता है मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी। तो अभी कुछ सीन यू अभी का सीन कुछ यू है कि अभी मैं देखती हूँ कि मम्मी के मम्मा के इफ्तारी में बना रही है। सो यहाँ पर फातिमा की चीज़ें भी पड़ी हुई हैं जो आपने उसके व्लॉग में देखी होंगी, मेरा दिल है इसमें से ये कैंडी उठा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और फातिमा अभी को बता दूंगी कि कैंडी मैंने लिया था और इसके बाद मैं खा लूंगी इफ्तारी के बाद। मेरी हेयर कट भी काफ़ी अच्छी लग रही होगी ना आपको, मैंने इसको थोड़ा फ्रेश करवाया था, थोड़ा कलर करवाया था। सो अभी मैं चलती हूँ और फिर आपको व्लॉग बाद में कंटिन्यू करती हूँ।